आप तो बैठ गए। हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ब्लॉग्स एंड दिस इज योर बॉय मोहम्मद मैदा वसन। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक दिन, बहुत दिनों के बाद, पाँच दिन से कुछ वीडियो नहीं बनाया था। लास्ट वीडियो 1000 घुसा तो सोचा कि उसी के ऊपर और एक वीडियो बना देते हैं। अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं बनाए। आओ आओ घुसार दो मार दो। उसके बाद हम तो आज का जो सीन है ऑफ रोडिंग आप लोगों ने देख लिया है इस बाइक का, तो आज हम लेके जाते हैं आपको दिखाने के लिए इस बाइक का सैंड पावर, सैंड में कैसे चलता है ये बाइक। मतलब वो नदी का मिट्टी जो होता है कोई, तो वो जगह थोड़ा यहाँ से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। तो सबसे पहले हमें रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा क्योंकि तेल जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो पहले रिफ्यूलिंग करते हैं वापस से, फिर से हर वीडियो में मैं जब निकलता हूँ मुझे रिफ्यूलिंग करना पड़ता है, तो पहले रिफ्यूलिंग करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो लीजिए भाई साहब, हम घुस चुके हैं मिट्टी के रास्ते पर। इधर तो लाल मिट्टी आ गया रे बाबा, उधर से उतर सकता है कि नहीं सकता रे बाबा। वो भी मजा आएगा ना रे बाबा। आज इसका हम लोग मिट्टी का पावर टेस्ट करेंगे, क्या बोलते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से बाइक उतारने का। ओके बच गए, बच गए भाई साहब, बच गए। ओहो क्या मिट्टी है, मिट्टी बोलते हैं। ना इधर बाइक नहीं रहेगा। इधर इधर बाइक पार्क करने का सिस्टम दिखाऊं, दिखा तो रुक। मुझे हुआ क्या, पार्किंग किया है हमने विडा स्टैंड का। अभी आएगा असली पार्ट अरिंदम का, हम चलाएंगे, इनको करना है रिकॉर्ड। क्योंकि मिट्टी में जो है आपको दिखेगा हैंडल, लेकिन देखना है इस बाइक का पीछे का चक्का। सीन है वो। तो सबसे पहले इस बाइक का थोड़ा हम लोग वो ले लेते हैं, सिनेमेटिक्स ले लेते हैं मिट्टी के ऊपर, उसके बाद चलाएंगे। अब पीछे का चक्का पूरा ग्रिप में, मिट्टी घुस गया रे बाबा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं इस बाइक का पावर मिट्टी पे। यहाँ पे बाली कुछ ज़्यादा ही, कुछ बहुत ही ज़्यादा है। भाई साहब इंजन का रोर सुन रहे हो ना आप लोग। हाँ यहाँ पे थोड़ा ठोस मिट्टी है। हमारे अरिंदम भैया के पास जाते हैं।
और ये यहाँ पे सिर्फ लगता है खाली ट्रैक्टर ही आया है मेरे सिवाय। वो जो टीला है उसमें हम अभी उड़ाने वाले हैं, कोशिश करते हैं बाइक को थोड़ा, मुझे इसका भी निकालना पड़ेगा। आप तो बैठ गए। चलिए चलिए उठिए। ये गड्ढा है ना मौत का कुआ। हाँ बढ़िया निकलो। ऐसे कैसे होगा बाबा। हाँ कमान कमान। हाँ हमारा लौंडा सीख गया। सीख गया सीख गया, हमारा लौंडा सीख गया है। तो अभी जो है लास्ट दो तीन शॉट उस घास में उठाते हैं, उसके बाद पावर तो पता चल ही गया है बाइक का, काफ़ी धासु पावर है बाइक में। ये मिट्टी ठीक है भाई बाइक चलाने के लिए, वो मिट्टी को ज़्यादा ढीला था, वही सीन है, बाकी कोई सीन नहीं है, वो मिट्टी को ज़्यादा ढीला है। तो हमारे अरिंदम भैया को लेके आते, थोड़ा नदी के उस साइड जाते हैं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इस बाइक का पावर को मान लिया गया है क्योंकि यहाँ पे लोग अकेला सोलो नहीं चलाएंगे, हम लोग दो जन बैठ के चल रहे हैं कि नहीं भाई साहब। जाना था नदी तक लेकिन नदी हमें मिला नहीं, इसलिए हम कहीं और पहुंच गए। क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर हमने उड़ा उड़ा के कुछ रील्स रिकॉर्ड किए हैं, अगर आप लोग वो देखना है तो वीडियो को स्क्रीन पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, उस पर फॉलो कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा रील को। और एक चीज़, इधर आपको दिखेगा सन, उधर आपको दिख रहा होगा मून, पता नहीं इस कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और आगे है नदी। चलो भाई साहब फिर से पिलियन मिट्टी में। एक्सपल्स का मिट्टी का पावर पता चल गया अपन को, क्योंकि मेरा भी वेट 70 है, तुम्हारा वेट कितना है भाई साहब? 80। इनका वेट 80 है, 70 और 80 केजी का इंसान को इसने बहुत आराम से खींचा है, अभी भी खींच ही रहा है इस मिट्टी पे। उतरना पड़ेगा भाई साहब इधर से, जो है ना इधर से आप नहीं जा पाएंगे। अरे जा रहा है भाई साहब। अरे मैं तो सोचा था नहीं जाएगा, ये तो कहता है जहर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई साहब, देखते चढ़ पाते कि नहीं पाते। फंस गए हम जो है,
हम जो है चालिया से एक पार्किंग किए है इधर कतई सेक्सी वाला पार्किंग किया गया है इधर कोई बात नहीं, इधर से जो टेक्निक है वो टावंग का टेक्निक शुरू होगा। तुम आप मोबाइल अपना पॉकेट में डाल लो, मेरा पॉकेट में दे दो। हाँ यहाँ से टेक्निक ये है, नहीं थेलना नहीं है, टांगड़ी बोलेगा, कुछ भी नहीं करना। रुको मेरा लेस खुल गया है। बहुत ईजी टेक्निक है एक, वो है ये ग्लास ग्रीन कलर का है अच्छा अलग बैक कर, अलग बैक कर, आरो बैक कर, बजे कंप्लीटेड। तो दिल से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों को, वो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो लोग पिकनिक खाने के लिए आ रहे हैं उन लोगों ने इस जगह का जो हालत है तो थोड़ा ख़राब करके रखा हुआ है। देख ही पा रहे हो आप लोग कितने प्लास्टिक और ये क्या डिस्पोजेबल प्लेट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कृपया करके अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं पिकनिक विकनिक करने के लिए, आइए एंजॉय कीजिए, साथ में एक एक्स्ट्रा पॉलीथीन, बड़ा पॉलीथीन लेके आइए, उसमें जितना भी आपका वेस्ट है वो सब डाल के लेके जाइए। नहीं तो ये जो अभी सुंदर होके रखा है ये बहुत गंदा हो चुका है। तो करते हैं टाटा बाय बाय इस एरिया को। अच्छा लगा चला के, बहुत ही अच्छा लगा चला के। एक्सपल्स का पावर हमें पता चल गया कितना पावर है इसमें। वैसे तो पता चल ही गया था मुझे टावंग में, फिर भी मिट्टी का जो पावर था मुझे पता नहीं था कैसा है, क्योंकि मैं पहले रॉयल इनफील्ड चलाता था। तो रॉयल इनफील्ड को जब मैं यहाँ पे लाया था तो वो भाई साहब धस जाता था बाइक, लेकिन ये बाइक नहीं धसा। ये यहाँ तक कि इस बाइक ने मुझे और मेरे पिलियन को, हम दोनों को ले के चला है इसने। तो काफ़ी मज़ेदार, मैंने अनएक्सपेक्टेड। अभी जो है बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी वानी पीते हैं और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कहीं पर सुंदर सा एक लोकेशन में जाकर। राइट साइड से आए थे हम लोग। तो फिर इस सुंदर से रास्ते पे आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं और आप लोगों को पता चला, ओ माय गॉड क्या सूरज देवता ने आँख में चमक मारा है मुझे। तो आप लोगों को पता चला कि एक्सपल्स का पावर कैसा है सैंड पे, मतलब ये जो नदी का मिट्टी होता है इस पे काफ़ी अच्छा पावर है भाई साहब। बस बाइक में कुछ कुछ पार्ट्स है जो मतलब थोड़ा हैवी है, तो वो सब अगर हटा दिया जाए बाइक से तो और भी हल्का हो जाएगा बाइक। टोटली एडवेंचरस एंड मतलब मोटोक्रॉस की भी कह सकते हैं आप इस बाइक को, आराम से यूज़ कर सकेंगे आप इसको मोटोक्रॉस में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ऐसे सीट का थोड़ा कमाना, वो उसका टेल को काटना, मतलब टेल को खोलना, और ये जो साइलेंसर है इसका भी वेट है, इसको भी हटा के कोई दूसरा आफ्टर मार्केट साइलेंसर को लगाना, तो उसके बाद ये बाइक पूरा प्रॉपरली मोटोक्रॉस के लिए होगा। और बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो टावंग ट्रिप गए थे उसका एक आइटिनरी हमें दीजिए वीडियो में, तो उसके लिए हम एक दिन घर में बैठ के विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई सारे हमारे कम्युनिटी में लोगों ने हमें पोस्ट में कमेंट किया है उसके ऊपर कि उनको एक आइटिनरी चाहिए, कहाँ से कहाँ जाए, कैसे से क्या बनाए। वैसे तो बहुत लोगों ने दिया हुआ आइटिनरी, लेकिन हम आपको देंगे, आपने अगर मांगा है तो हम भी देंगे आइटिनरी। और नेक्स्ट वीडियो शायद माइलस्टेस का आएगा, और अगर आप लोगों को डेली ब्लॉग्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए डेली ब्लॉग्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आउट दे दूंगा जिसका कमेंट मतलब आ जाए अच्छा वाला लग जाए मुझे, तो मैं उसको शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो इतना ही है, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू व्हाट यू वांट टू, जस्ट डोंट ट्रैवल होम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे। बाय बाय, बूम।